को मिली बड़ी सफलता, 50 लाख रुपए के अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी शराब सहित दो गिरफ्तार। शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई गई। जनपद में शांति व्यवस्था व अपराध में नियंत्रण रखने के लिए पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बेग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान में आज कोतवाली तालबेहट पुलिस व स्वाट टीम को बड़ी सफलता उस समय मिली जब मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध शराब से भरा ट्रक दिल्ली की ओर से ललितपुर लाया जा रहा है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शराब ले जा रही है। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी करते हुए ट्रक व उसके आगे चल रही दो गाड़ियों को हाईवे पर रोका तो उन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए वाहन को लहराते हुए निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस चकमा देकर भागने में सफल नहीं होने दिया। पुलिस ने ट्रक व दो जनों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें पंजाब की बनी हुई शराब की 945 पेटी व 1465 अवैध अंग्रेजी शराब के क्वार्टर बरामद हुए। देखिए, काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध शराब जो पंजाब की बनी हुई थी यूपी में हमारे ज़िले में लाने का प्रयास किया जा रहा था। हमारा इंटेलिजेंस कलेक्शन सक्रिय था और ये हम लोगों ने ट्रक दबोच लिया। पूरा इसमें माल बरामद हुआ 975 पेटी प्लस 1400 के आसपास ये अलग पाउचेस बरामद हुए हैं। टोटल इसकी जो कॉस्ट है वो 50 लाख से ऊपर की है और इसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। तीन अन्य व्यक्ति नाम प्रकाश में आए हैं जो भाग गए हैं, दो अन्य व्यक्ति हैं अज्ञात हैं। सभी लोगों के विषय में हम लोग पूरी सघनता से छानबीन कर रहे हैं और इनको हम जल्दी से जल्दी जेल भेजेंगे। वैधानिक कार्रवाई हम लोग उस पर कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे ताकि किसी तरह से भी अवैध शराब, जिसमें ये भी हो सकता है कि जहरीली तत्व हो जिससे मिलावटी होने की वजह से कई बार मानवीय हानि भी होती है, तो उसको हम होने से नहीं होने देंगे और उसको अंकुश लगाएंगे, जिस वजह से इसमें कठोर कार्रवाई वैधानिक तरीके से हम लोग कर रहे हैं। सर, बरामदगी में व्हीकल कौन कौन से? इसमें ट्रक के अंदर जो माल मेन था वो ट्रक के अंदर 4 नंबर का ये ट्रक है, आरजे नंबर है ये, आरजे 14GE3582 ये ट्रक का नंबर है। साथ में दो कारें थी जिसमें जैसा ये तस्करी करते वाले लोग करते हैं कि एक स्पॉट करता है, एक पायलट करता है ताकि आगे कहीं पुलिस चेज करे या जानकारी करे तो ये उसको डायरेक्शन दे सकें। तो ये एक स्विफ्ट डिज़ायर कार भी हम लोगों ने पकड़ी है और साथ में एक जो है मारुति वैन है बिना नंबर की, तो इसको भी हम लोगों ने पकड़ा। तो वहीं दो मानवेंद्र सिंह थाना मोट झांसी निवासी एवं हिमांशु रैकवार ने नई बस्ती थाना झांसी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 5 अभियुक्त भागने में सफल हुए। वहीं भागे हुए अभियुक्तों में लीलाधर और कुल्लू दुबे निवासी बासी थाना जखौरा, आफ्ताब एवं कुणाल जैन निवासी थाना कोतवाली ललितपुर व दो अज्ञात बताए जा रहे हैं। भागे हुए आरोपियों में कुछ आरोपी तो ऐसे हैं जिन पर कई आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई करती है कि नहीं। लेकिन पुलिस की कामयाबी से शराब का बड़ा जगीरा जो जनपद की शांति में सेंध लगा था उसको रोकने में सफल हुई।